पूर्णिया के वार्ड नंबर 34 में बिहार सरकार की जमीन पर बसे सैकड़ों लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस पूर्णिया सीओ के द्वारा दिया गया है। पूर्णिया सीओ के द्वारा यह पूछा गया कि उन लोगों को बिहार सरकार की जमीन पर घर बनाने का आदेश किसने दिया और किस तरह उसे यह जमीन प्राप्त हुआ, इसका भी वह तत्काल ब्यौरा उपलब्ध कराए, जिसके बाद बड़ी संख्या में बिहार सरकार की जमीन पर बसे लोग पूर्णिया सीओ कार्यालय पहुँच गए और सभी ने आवेदन देकर अपना अपना पक्ष रखा। इस संदर्भ में वार्ड पार्षद विजय उराव ने कहा कि वह लोग बिहार सरकार की जमीन पर जरूर रहते हैं, किंतु उन लोगों को पूर्णिया के पूर्व विधायक अजीत सरकार ने बसाया था और उन लोगों के पास वहां वर्षों से रहने का कई कागजात भी है, जिसे वे लोग सबूत के तौर पर सीओ साहब को दे रहे हैं। प्रखंड मुख्यालय इसलिए आए हैं कि यहाँ पर 13 तारीख को 13/5 को अंचलाधिकारी के द्वारा वार्ड नंबर 34 के कालीजान नया टोला में वो जो बिहार सरकार की भूमि है, जिस पर अजीत सरकार कितना पुश्त पहले वहाँ पर बसाए थे अपने जीवित काल में, विधायक काल में, तो उस ज़मीन पर अंचल कार्यालय के द्वारा नोटिस दिया गया कि आप जितने भी यहाँ पर घर आवास बना के रह रहे हैं, सभी भूमिहीन को नोटिस दिया और भूमिहीन को के द्वारा यहाँ पर आवेदन देने के लिए कहा गया। कारण पूछा गया कि आप क्यों बसे हैं मेरी जमीन पर, तो उसी के आधार पर हम लोगों ने एडीएम के अपर समर्ता के द्वारा बंदोबस्त किया गया। उसके आधार पर वहाँ पर सभी लोग बस के रह रहे हैं और भी लोग बहुत सारे हैं जो बाद में भी आए। बिहार सरकार की जमीन भूमिहीन परिवार के लोग जो है जा के वहाँ बसे, वो लोग वहाँ पर वास कर रहे हैं। तो ये कितने लोग हैं जो उस पर बसे? लगभग 450 परिवार के लोग हैं वहाँ पे जो बसे हुए हैं। जमीन कितनी है? बहुत सारी जमीन है वहाँ पर, लगभग 60 बीघा होगी, उससे अधिक है। पर ये लोग बसे हुए जी, उसी पर बसे हुए हैं। तो अब सीओ साहब क्या खाली करवाना चाह रहे? नहीं, खाली कराने के लिए वो जानना चाह रहे थे, या फिर नगर निगम के द्वारा दबाव दिया गया कि उस जमीन पर कचरा प्रबंधन का एक कार्य किया जाएगा, इसलिए खाली कराया जाए। तो शायद हमको ये जानकारी नहीं, आप क्यों नोटिस दिए हैं, चूँकि इस तरह का नोटिस पूरे पूर्णिया भूमिहीन परिवार को अंचल कार्यालय के द्वारा दिया गया है। हम यही चाहेंगे पूरा पूर्णिया के भूमिहीन परिवार के लिए, जो बिहार सरकार का 2019 का चिट्ठी आया हुआ है, हम पार्षद होने के नाते 2/8/2019 को चिट्ठी आया हुआ है कि जितने भी भूमिहीन परिवार के लोग हैं, सबका स्पेशली जनगणना करा के उसका बहुमंजिला इमारत करके बनाकर उसको आवंटन किया जाए। इस तरह से अगर नोटिस पर नोटिस केवल बिहार सरकार का जमीन पर अगर होगी, तो हमको लगता है कितने भूमिहीन परिवार, जो सरकार का योजना है कि हर एक परिवार को 3 डिसमिल जमीन देना है, साथ में सरकार के द्वारा वो 60,000 भी रुपया दिया जाता है, लेकिन नगर निगम पूर्णिया में इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि झारखंड में इस चिट्ठी के आलोक में लगभग मकान बन के तैयार हो गया है, लोग को आवंटन भी हो गया है, लेकिन बिहार में इस तरह का अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। तो इसलिए हम चाहेंगे यहाँ का जिला प्रशासन से और सरकार से, भूमिहीन को जमीन देने की योजना है जी, तो भूमिहीनों को जमीन नहीं दिया जा रहा है, उनका घर नहीं बनाया जा रहा है जी, लेकिन जब सरकारी जमीन पर लोग बसे हुए तैो उनको खाली कराने का काम नोटिस नहीं अभी हाँ नोटिस दिया गया है, अभी खाली कराने की कोई बात नहीं, नोटिस दिया गया है। तो स्पष्टीकरण तो पूछा है जी, स्पष्टीकरण पूछा हमने कालीजान गाँव की ओर से, सभी का जो है एक आवेदन दिए हैं, आवेदन के साथ में जो बंदोबस्त का पेपर है वो दिए हैं, जो नगर निगम का रसीद है वहाँ का जो प्रमाण है वो टोटल पेपर सीओ साहब को दिए हैं। सीओ साहब ने जितने लोग बसे हुए सबके पास कुछ ना कुछ प्रमाण है जी, कुछ ना कुछ सभी कुछ है।